क्लास टू इंग्लिश प्रैक्टिस चैप्टर नंबर थ्री पुस एंड द पैरोट। इन लेसन थर्ड पुस एंड द पैरोट द क्लेवर पैरोट फ्लाइज अवे। हमने चैप्टर नंबर थ्री में पढ़ा था पुस एंड द पैरोट, जिसमें पैरोट बहुत क्लेवर था, बहुत ही चालाक था और वह उड़ गया था। रीड व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब हम पढ़ते हैं क्या है व्हाट हैपन नेक्स्ट एंड फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग इज एम और आर। यहाँ पर हमको फिल करना है इज एम और आर को, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़े, पुश का क्या स्टेटमेंट है, वेयर डैश आर गोइंग, वेयर वेयर के साथ आर, वेयर आर यू गोइंग, पैरोट आई, आई डैश गोइंग टू ब्रिंग रैट्स For you, तो यहाँ होगा am, I am going, ठीक है। Push, but is dash raining, there dash no rats come soon, but it is raining, there are no rats come soon. Next है parrot, oh you dash so foolish, you are so foolish, I के साथ क्या लगेगा am. I am not coming back. Next है आपको इसी तरह is, am, are, has और have का प्रयोग करना है। First है I के साथ क्या लगता है, I के साथ am लगता है, तो I am 6 years old. To Ritu dash playing basketball. Ritu is. नंबर थर्ड, दीज फ्लावर्स आर वेरी प्रीटी, यहाँ पे आर फिल होगा। फोर्थ, वी डैश इंडियंस, वी आर इंडियंस। नंबर फिफ्थ, ए किटन डैश द बेबी ऑफ ए कैट, तो किटन के साथ इज लगेगा। नंबर सिक्स, द एलिफेंट डैश ए लॉन्ग ट्रंक, एलिफेंट के पास है ना, तो यहाँ पे हैज लगेगा, एलिफेंट हैज। नंबर सेवन, बर्ड डैश विंग्स, यहाँ पे बर्ड्स के साथ हैव लगेगा। नंबर एट, ही हैज टू पेंसिल, यहाँ पर हैज लगेगा, ही हैज टू पेंसिल। डकलिंग्स डैश बेबीज ऑफ डक्स, यहाँ पे आर लगेगा, डकलिंग्स आर। टेंथ, माय मदर डैश माय बेस्ट फ्रेंड, माय मदर इज माय बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे इज लगेगा। वर्कशीट थ्री है, यहाँ पे ज्वाइन द ब्रोकन वर्ड्स एंड राइट देम अगेन। यहाँ पे कुछ वर्ड है जो ब्रोकन वर्ड है, टूटे हुए वर्ड है, इनको जोड़ के हमको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एच यू एन जी आर वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा हंग्री, और एच ए पी पी वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा हैप्पी, आर ए आई एन आई एन जी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रेनिंग, उसी तरह एफ आर आई ई एन डी एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स। और इन सब मीनिंगफुल वर्ड को हमको नीचे लिखना है। और है यहाँ पे पी ए आर आर ओ टी जोड़ देंगे तो हो जाएगा पैरोट। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा पी एल ई ए एस ई प्लीज, प्लीज तो यहाँ पे वर्ड बन जाएगा प्लीज। इसी तरह हमको यहाँ पर आपको सारे वर्ड को फिल कर देना है जोड़ के, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर नंबर थ्री पुश एंड द पैरोट समाप्त होता है। थैंक यू।